हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर हमने ग्लोब डिस्कस कर लिया था, सीरीज चल रही ज्योग्राफी की, ठीक है, क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो मैप है। तो हम मैप में क्या बताएं, सबसे पहले हमें ये बताना है कि देखिए ग्लोब जो होता है, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ग्लोब क्या है, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था एज ए होल, ठीक है। अब हम मैप को क्यों डिस्कस करते हैं, मैप क्या करता है, एक इंडिविजुअली बताता है, एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, कंट्रीज के बारे में, सिटीज के बारे में, उनके पर्टिकुलर एरिया के बारे में, विलेजेस के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिलती है। ग्लोब क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। मैप क्या होता है, ये फ्लैट सरफेस पे होता है, पेपर पे भी हो सकता है, कपड़े पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल इसका होता है मैप का। ऑलराइट, डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए, रिप्रेजेंटेशन एंड ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन फ्लैट सरफेस। फ्लैट का मतलब यानी कि इस तरह का जो सरफेस होता है उसको हम फ्लैट सरफेस बोलेंगे। कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है, जो गोलाकार हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। अब इससे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है भाई। हम किसी के मैप के बारे में जानकारी हमें हासिल करना है, मान लीजिए कि इंडिया का मैप ले लो, ठीक है, अमेरिका का मैप ले लो, ठीक है, वहां के इंफॉर्मेशन हमें पता करनी, तो हमें किसी भी कंट्री के इंफॉर्मेशन पता करनी तो मैप के थ्रू जो है हम सॉर्ट आउट करते हैं किस लोकेशन पे है, ठीक है, कितने किलोमीटर है, क्या डिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले क्या पता कर लेते हैं, अगर मैप की इन शॉर्ट बात करा जाए तो मैप क्या होता है, हम मैप में को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, एक्चुअल डिस्टेंस होती है, जैसे मान ले कि हिंदुस्तान से लंदन की दूरी जो है 10,000 किलोमीटर है, 15,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हमें उसको मैप में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मैप हमारा छोटा है, ठीक है। ऐसे तो डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर की यहां से लंदन की, ठीक है। तो हम मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भैया मैप तो A4 A3 साइज में है, ये भी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमें एक स्केलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैप हम देख लेते हैं कौन कौन से मैप होते हैं। एक हमारा फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक थेमेटिकल मैप होता है। देखिए पॉलिटिकल मैप में क्या होता है बेटा, कि पॉलिटिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स के बारे में बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें माउंटेन है, प्लेट्यू है, रिवर्स है, वो हमें फिजिकल मैप के थ्रू पता करना होता है। जैसे मान लो कि कोई कंट्री है, उसका हमें फिजिकल मैप पता करना है। फिजिकल मैप की बात जैसे करी जाए, आप समझ जाना कि माउंटेन की बात हो रही है, रिवर्स की बात हो रही है, और प्लेट्यूज के बारे में बात हो रही है। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, सिटीज के बारे में बताया जाता है, ठीक है। मैप का मतलब क्या होता है, हर एक इंफॉर्मेशन जो है पेपर पे हो आपकी। तो आप पॉलिटिकल मैप कैसे पता करेंगे भैया, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, सिटीज के बारे में है, विलेज के बारे में है, कंट्रीज के बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल मैप में आ जाता है। ऑलराइट बेटा, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है थेमेटिक रूप। थेमेटिक मैप क्या होता है, देखिए हम लोग ने पॉलिटिकल मैप पढ़ा, पॉलिटिकल मैप में कोई कंट्री है, सिटी में क्या होता है, कंट्री में क्या होता है, या विलेज में क्या होता है। कोई आप सिटी जा रहे हैं तो वहां फॉरेस्ट भी होगा, वहां उनकी रोड भी होगी, वहां उनकी इंडस्ट्री भी होगी। ये किसके अंडर में आता है, इट्स कम अंडर थीमेटिक मैप। ऑलराइट, तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम पूछ ले भैया कि प्लेट्यू किसके अंडर में आते हैं, किस मैप के अंडर में आते हैं, तो योर आंसर शुड बी फिजिकल मैप। ऑलराइट, तो ये है। अब लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द मैप। कंपोनेंट ऑफ द मैप, भाई कंपोनेंट क्या होते हैं, भाई हमें तो पता चल गया ये चीजें हैं, अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे। हम डिस्टेंस है, स्केल है, और बहुत से फीचर्स हैं, उसके के लिहाज से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अभी हमने जैसे आपको बताया कि रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है, जैसे अभी हमने आपसे बात करी थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जैसे मान लो 10,000 किलोमीटर का है, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे भैया मैप में कैसे फिट करना है, तो हम सेंटीमीटर के हिसाब से ले लेते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर में हमारा 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होगा, यानी कि जो हमारी स्केलिंग होगी, जो हमारी स्केल है, स्केल से मेजर करते हैं, जो हमारी स्केलिंग होगी वो 1 सेंटीमीटर जो है 100 किलोमीटर के बराबर होगा,
एक्चुअल डिस्टेंस है, राइट। तो इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मान लिया आपका स्कूल है 10 किलोमीटर दूर, स्कूल है घर से, तो हम क्या 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देंगे? इतना तो हमारे पास पेपर नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि हमारे पास एरिया कौन सा है, एरिया लार्ज है कि स्मॉल है, ठीक है। जो हम स्केलिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है भाई, हमें एक मेजरमेंट ले लेंगे और उसको मैप में शो कर देंगे, ठीक है, यही तो है। अब जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपका घर जो है और स्कूल, उसके बीच में डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर की है, ठीक है, 10 किलोमीटर की है, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हुआ 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर के बराबर हो गया, यानी कि जो 5 किलोमीटर की एक्चुअल डिस्टेंस है और एक हमारी मेजरमेंट की स्केल वाली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। फिर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैप जो है, जो हमारा स्मॉल स्केल मैप है जिसमें जो हमें स्केलिंग लेनी है वो स्मॉल स्केल लेनी है, ठीक है। जैसे मान लो कंट्री और सिटी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लिए कि 500 किलोमीटर को हमने रिप्रेजेंट करा, भाई कंट्री है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री, तो हमने क्या करा 500 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि हमें अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, क्लियर। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, वो स्मॉल एरिया को लिया जाता है। जैसे मान लिया कि हम किसी गांव का ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने इसमें मेजरमेंट कर दिया 5 किलोमीटर जो है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इस तरह से ये ले लिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर के हिसाब से है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास पर्चा कितना बड़ा है, यानी कि मैप कितना बड़ा है, उसका सरफेस कितना बड़ा है, एरिया कितना है, 3 पे ले रहे हैं, 4 पे ले रहे हैं कि और मीटर वाला ले रहे हैं, तो ये आप अपने हिसाब से स्केलिंग कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है 4 तरीके से होते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं। अब आपको मालूम है कि हमने मैप में लार्ज स्केल स्मॉल स्केल समझ लिया है, अब हमें डायरेक्शन भी तो पता करना होगा कि ये किस डायरेक्शन में पड़ता है, ये ईस्ट में पड़ता है, ये नॉर्थ में पड़ता है, ये साउथ में पड़ता है या वेस्ट में पड़ता है। तो भैया हमें पता तो करना ही है ना डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को। तो डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट हमारे ये 4 होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हेड है, इसको हम नॉर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये यही डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन, जैसे मान लो कि यहाँ पर हेड है तो ये वेस्ट डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर हेड लगा दिया है तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन बताएगा, तो ये आपको बताना है। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है कि उस जगह को और प्रिसाइजली एक्यूरेटली हम मेजर कर पाते हैं, राइट, और एक्यूरेट पोजिशन है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, यानी कि हमारा घर इधर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर है कोई, तो हमने कहा कि हमारा जो घर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये लोकेट कर लिया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए करा जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो पार्ट 2 में आएगी, उसमें हम क्वेश्चन आंसर जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि हम अच्छे से और एक्सप्लेन कर दें और बच्चे देखें, ठीक है। तो ये जो है हमारा सीरीज जो है आपका क्लास 6 का भी है और यूपीएससी तक जो है उसको हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।